हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। दिवाली है तो चलिए अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। ये मैं अपना डाइनिंग टेबल डेकोरेट कर रही हूँ दिवाली के लिए, जिसके लिए मैंने एक यहाँ पर भी बास्केट सेंटर में प्लेस की है। और ये जो मैंने फ्लावर मैट्स बनाए थे उन्हें मैं साइड्स पे लगाने वाली हूँ। इनका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मारी गोल्ड फ्लावर से बनाए हुए मैट्स हैं। ये जो हमने मटकीज डेकोरेट की थी, यहाँ पर मैं सामने वो लगाने वाली हूँ, नीचे बैंगल रख के, और इनके ऊपर मैं ये दिए लगाऊंगी। ये मार्केट से लाए हुए दिए हैं जो गिफ्ट में हमें मिले हैं। आप घर पे भी इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। इनका ट्यूटोरियल भी मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप दिए प्लेस कर सकते हैं। और ये जो कैंडल, फ्लोटिंग कैंडल्स हमारे पास आती हैं, हम इन दियों के ऊपर उन्हें लगा सकते हैं ताकि हमारे दिए गंदे ना हों। तो चलिए, मैं एक एक और दिया यहाँ पर प्लेस करने वाली हूँ ताकि इसमें और अच्छा एक लुक आए। और ये हमारा डाइनिंग टेबल बहुत ही सुंदर लगेगा जब हम इसमें कैंडल्स को अपने लगा देंगे। देखिए, एक एक दिया साइड्स पे लगा देते हैं। इसके बाद मैं आपको सेंटर टेबल डेकोरेट करना दिखाऊंगी और बंदरवार दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से सेंटर में मैंने फिर कैंडल्स लगा दी हैं। और चलिए, इन्हें ब्लो कर लेते हैं। और ये बहुत ही सुंदर एक दिवाली डेकोरेशन के लिए रेडी हो गया है हमारा टेबल। देखिए, इस तरह से आप भी डेकोरेट कर सकते हैं मटकियों से, फूलों से। और अगर आपके पास कोई गिफ्टिंग में बास्केट आई है, जैसे कि मैंने ये बोर्ड शेप में रखी है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी, उसे मैंने सेंटर टेबल के लिए यूज़ किया है। तो देखिए, इस तरह से आप अपने भी डाइनिंग टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने सेंटर टेबल को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए, ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ रंगोलीज बनाई हैं कार्डबोर्ड के ऊपर। इनका ट्यूटोरियल भी मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ आपको। और ये कैंडल होल्डर्स जो मैंने बनाए थे डॉल से, वो भी, तो आप इस तरह से इन्हें प्लेस कर सकते हैं और आपका बहुत ही सुंदर एक टेबल, सेंटर टेबल का डेकोरेशन रेडी हो जाएगा। और इसमें भी आप देखिए, बहुत ही सुंदर एक रंगोली टाइप हमारे पास रेडी हो गया। और इसमें भी आप दिया लगा सकते हैं, जिससे कि बहुत ही सुंदर एक लुक हो जाएगा। ये बंधनवार हैं जो मैंने खुद बनाई हैं फूलों से और लेसेस से। तो इस तरह की बंधनवार आप बना सकते हैं। इनका ट्यूटोरियल आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैं और भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये भी हमने जो बैंगल से बनाई थी और लेस से बनाई थी, और ये गेंदे के फूलों से बनाई हुई है। तो इस तरह से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारा टेबल है जो हमने डेकोरेट किया था। और चलिए, अब हम लगा लेते हैं एक और बंधनवार जो हमने मार्केट से परचेज किया, जो हमें गिफ्ट में मिली थी, तो अब हम उसे लगाने वाले हैं। तो ये मैं अपने बाहर गेट पर लगा रही हूँ, जो मेन हमारा गेट है एंट्रेंस का, उस पर हम इसे लगाएंगे। तो ये भी हमने लगा ली है। और एक और मैंने कैंडल होल्डर बनाया था जो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले ये जो झूमर मैंने बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैंने अपने जो घर का फ्रंट है उस पर मैंने हैंग किया है, जो डॉल्स के साथ मैंने बनाया था। और इन सब ट्यूटोरियल्स को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये सब हैंडमेड है और आप आसानी से इन्हें सीख सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए, ये कैंडल होल्डर मैंने कल ही अपने ट्यूटोरियल में डाला है। आई होप आपको ये डेकोरेशन अच्छी लगी होगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल।